हेलो दोस्तों, इंडिया गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 16-17 मार्च से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फटाफट कल के क्वेश्चन जो किए थे दोस्तों उसको रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से कहाँ का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जगदलपुर। इसको रिविजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में राज्य सरकार के अतिथियों के स्वागत के लिए दिया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजकीय गमछा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 3 दिवसीय मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गिरौदपुली में किया जाएगा। यानी 18 मार्च से 20 मार्च तक यह मेला किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त की शपथ ली है, इन तीनों में से किसने ली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मनोज कुमार त्रिवेदी, धनवेंद्र जायसवाल, ये दोनों ने ली है। तो क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज यहाँ राजभवन के दरबार हाल ही में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज कुमार त्रिवेदी एवं श्री धनवेंद्र जायसवाल को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम के रावत, राज्य सूचना आयुक्त श्री ए के अग्रवाल, सामान्य प्रशासन के सचिव श्री डी डी सिंह, राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खबो, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के सचिव श्री आई आर देहराई एवं नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों के परिजनों, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। हाल ही में इन लोगों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई है गोपनीयता की, तो ये दोनों को दिया गया है। तो इस वीडियो, इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हर्बल गुलाल का मार्केट कहाँ लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कबीरधाम जिले में लगाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव के समूह की महिलाएँ इस बार होली के त्यौहार केमिकल फ्री बनाने की तैयारियों में लगी है। इसके लिए महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। कबीरधाम जिले के विकासखंड बोडला के ग्राम राजा नवा गांव की जय गंगा माई मैया महिला स्व सहायता समूह ने भी होली के त्यौहार के लिए हल्दी, गेंदा, गुलाब, चुकंदर, अनार के प्राकृतिक रस से अलग अलग आकर्षक रंगों में हर्बल गुलाल तैयार किया है। यह गुलाल पूरी तरह से जैविक होने के साथ साथ स्वास्थ्य और त्वचा के लिए लाभकारी है। इसे भोरम देव हर्बल गुलाब के नाम से मार्केट में लाया गया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, कहां पर किया गया है? तो कबीरधाम में यहां किया गया है। अब कबीरधाम की बात आई है तो कबीरधाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, कबीरधाम की स्थापना 1998 में कवर्धा का निर्माण किया गया। दोस्तों, कवर्धा का नाम परिवर्तित करके कबीरधाम रखा गया है। दोस्तों, कबीरधाम मुख्यालय कबीरधाम मातृत्व जिला राजनांदगांव और बिलासपुर, इन दोनों से पृथक करके कबीरधाम जिले का निर्माण किया गया है। अब कबीरधाम में निवास करते हैं बैगा जनजाति, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। स्थानांतरित किसी व्यवहार कर्मा नित्य छत्तीसगढ़ अंचल का प्राचीनतम नृत्य है। बिल्हा सैला सैना परघौनी, ठीक है। दोस्तों, खनिज लौह आवश्यक है। चिपकी चिल्फी घाटी एक लामा बक्साइट बोराइट दलदली से प्राप्त किया जाता है। भोरम देव शक्कर कारखाना प्रदेश का प्रथम ग्राम रामेहपुर में स्थित है। विद्युत उत्पादन क्षमता 6 मेगावाट गन्ने की खोई से प्राप्त किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम सेवेसर में स्थिर है।
स्थापना 2016 में प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना। विद्युत उत्पादन क्षमता 14 मेगावाट प्रस्तावित है। भोरमदेव अभयारण्य 2001 प्रदेश में नवीनतम। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। निर्माण 1089 निर्माण गोपाल देव फड़ी नागवंश मड़वा महल छेरकी महल का निर्माण रामचंद्र देव द्वारा करवाया गया। हाप नदी उद्गम कदावानी की पहाड़ी मैकलसड़ी से हुआ है। बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर मैकलसड़ी। प्रदेश के सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र दृष्टि छाया प्रदेश चिल्फी घाटी सैगुन वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहला स्थान पर रहा है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने के लिए देश में पहले स्थान पर है। बंगाल दूसरे पर नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 16,06,84,000 मानव दिवस रोजगार दिया गया। मनरेगा के क्रियान्वयन में 107% से अधिक कार्य पूर्णता के साथ छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष रहा है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभागीय अधिकारी कर्मचारी व पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। जो रोजगार गारंटी के तहत जो काम देने में हमारे छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों पूरे देश में, और दूसरा बंगाल को प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।